हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, आज सुबह आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से भी 6 कार्ड लेंगे और एक लव मैसेज लेंगे। उनकी तरफ से आपको क्या बताना चाहते हैं ये जानने के लिए तो शुरुआत करते हैं शफल करके। 100 मैसेजेस से उसमें से एक मैसेज लेने वाले हैं हम। ये मिल गया मैसेज। ओरेकल में से देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। अब देखेंगे टैरो के कार्ड्स। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। पहला ही कार्ड है हैंगमैन का। तो जिंदगी में जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस रफ्तार से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें अभी भी आगे बढ़ने से रोक रही है। ये कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ घर के मसले हो सकते हैं, किसी के कुछ करियर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये उस स्पीड से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से बढ़ना चाहते हैं। उस स्पीड को लेके सोच रहे हैं कि मैं कब तक इस एनर्जी में फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी, अपने पर्सन तक पहुंचने में आखिर मुझे कितना वक्त लगेगा, इस तरह की बातों के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 8 of Pentacles, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो पेंटेकल है ये ऊपर की तरफ लटके हुए हैं जो इस पर्सन के सिर के ऊपर आती है, यानी कि इनके दिलो दिमाग पे शायद फैमिली की कुछ बातें हावी हो सकती है। साथ ही साथ किसी के दिमाग में करियर से जुड़े भी कुछ बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। कुछ लोगों के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैंडल्स जली हुई है और ये पेंटेकल के ऊपर कुछ पर्सन काम कर रहा है। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो हर एक काम जिम्मेदारियों से करना पसंद करते रहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक जाला दिखाई दे रहा है और एक मकड़ी है, वैसे ही इन जिम्मेदारियों में वो काफ़ी वक्त से फंसे हुए हैं। करियर की कुछ दिक्कतें हो सकती है जिनकी वजह से भी ये, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा, हैंगमैन की एनर्जी में फंसा हुआ ही महसूस कर रहे हैं और हार्ड वर्किंग होने की वजह से ये जो काम का जो उनका कह सकते हैं हम टाइम पीरियड है वो तो उन्हें बिजी रखता ही है, लेकिन ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते जितना ये निकालना चाहते हैं, या फिर उसी तरह से ये शायद आपके साथ में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्हें आपकी तरफ पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस काम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे कि मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मतलब शायद हो सकता है एक जिम्मेदारी पूरी होती है तो बाकी की जिम्मेदारियाँ भी उन्हें लगता है कि पेंडिंग है, तो वो जिम्मेदारियाँ पूरी करने में ही अपना बेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी साइड में रख जाती है। फिर है 4 of Cups, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप है, यानी कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके घर वाले भी शायद उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये जो प्यार का कप है उसकी उन्हें चाहत बहुत ज़्यादा है। दिन रात वो उस कप के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत भी शायद ये पर्सन रिलैक्स होते हैं तो उन्हें उस कप को पाने की चाहत महसूस होती है जो आपकी तरफ से उन्हें मिल सकता है। तो शायद आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है अपने ज़िंदगी में। और जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठने के बाद भी एक रोमांटिक एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि काश उस पल आप उनके साथ होते या साथ होती
तो उनका दिल किस तरीके से वो नए तरीके से स्टार्ट कर पाते, इस तरह की कुछ इमेजिनेशन में शायद खोए हुए हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेज के हाथ में पेंटेकल है जो उसको कंफ्यूज बना रहा है, यानी कि उनके फैमिली के मसले, उनके घर वाले, उनका करियर, कुछ पैसों से जुड़ी बातें जो उन्हें सोचने पे मजबूर कर रही है कि तुम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें तो ये सब सॉर्ट आउट करना है। और इस वजह से वो कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि मुझे अकेले को ये सब करना है, पता नहीं कब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सब कब मान जाएंगे, इस तरह की शायद कुछ एनर्जी है। फिर पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, दो बार पेज आया है जो रिप्रेजेंट करता है इनके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने के हालात को। तो कुछ हालात हैं जिनकी वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। पेंटेकल यानी कि घर वालों को भी समझाना चाहते हैं आपसे वो कितने अटैच्ड हैं। जैसे यहाँ पे एक पीकॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि मोर के जैसे पंखों में इतने सारे कलर दिखाई देते हैं, वैसे ही उन्हें आपके साथ एक कलरफुल ब्यूटीफुल लाइफ तो दिखाई देती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ समझ में नहीं आता। वैसे ही एक्शन भी लेना चाहते हैं लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और वही सोच है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। और फाइनल कार्ड है द फूल का। फूल का तो कार्ड आपको पता ही होता है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे पैर फंसा हुआ है, अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो ये सीधे मुंह के बल गिर सकते हैं, ये उनको एहसास है। लेकिन ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी करनी है, मतलब अगर नया स्टार्ट लेना है और गलती अगर कुछ हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये भी उनको एहसास है, जिसकी वजह से इस नई शुरुआत को लेके सोच रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड समय क्या बताते हैं। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो जैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ेगा, वैसे ही कई बार हमें कुछ पाने के लिए एक स्पेसिफिकली डिस्टेंस तय करना होता है। जैसे अगर इस फूल को न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है तो कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो पेजेस के कार्ड है, उन्हें आपकी तरफ पहुँचना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा या फिर घर वालों को समझाने पड़ेगा, तभी जाके कहीं वो ज़िंदगी में वहाँ पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे ये जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपका साथ उन्हें चाहिए तो उसके लिए एफर्ट भी लेने पड़ेंगे, ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा जो उन्हें उलझन में डालना है कि मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, तो उस बात को लेके सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। जैसे यहाँ पे ये झांक रही है अपने खिड़की से कह सकते हैं, और ये देख रही है कि आखिरकार माहौल क्या हो सकता है, क्या सच में बारिश गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे बिजली गिर रही है। वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो आगे के माहौल को लेके अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है। यानी कि जैसे आपको अगर कॉल किया तो आप उनको रोमांटिक कुछ बातें एक्सप्रेस करेंगे, या फिर अगर ये घर वालों से सीधे सुबह सुबह आपकी बात छेड़ देंगे तो क्या इस तरह से कुछ बिजली कड़क सकती है, या फिर घर में कुछ बखेड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, किससे क्या बात करनी चाहिए, इस तरह की बातों के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपको पाना है तो कभी ना कभी तो घर वालों से बातें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, जहाँ पे चांसेस तो है इस तरह की बिजली जैसी कुछ गिरने के, मतलब इस पर्सन को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो ये उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये क्रॉसिंग ब्रिज का आया है, वहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा, बात छेड़नी तो पड़ेगी, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पैशन एंड प्लेजर, सेवियर योर लाइफ, इस तरह से ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फायर है, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, वैसे ही उन्हें पता है कि उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है और ये प्लेजर उन्हें मिल सकता है अगर आप उनके साथ हैं तो, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी इस तरह से ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उस बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट डे चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल, आगे का रास्ता सोच रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं, इनको पार करके अगर आप तक पहुँचना है तो ये डिस्टेंस उन्हें खुद कवर करना पड़ेगा, और ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है। तो क्रॉसिंग योर पाथ इट मीन्स कि सोच तो काफ़ी ज़्यादा रहे लेकिन एक्शन मोड में अभी तक नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि मैं अगर शायद कोशिश करूंगा या करूंगी तो वहाँ पे पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। जैसे आपको पाने के लिए घर वाले अगर बीच में हैं तो उनको क्रॉस करके भी आप तक पहुँचना भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एफर्ट लेने ज़रूरी है।
नेक्स्ट है क्लींजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेट लाइफ फोर्सेस। तो शायद थोड़ा सा रिलैक्स होने की उनको ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा नहाते वक्त अगर ये रिलैक्स हो पाए तो शायद उनका जो थोड़ा निगेटिव माइंड्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बन पाएगा। यानी कि उन्हें एहसास हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट की वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से एक क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही। और फाइनल कार्ड है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द ही होती है, हमें सिर्फ खुशियों की तरफ देखने की ज़रूरत होती है। वैसे ही ये पर्सन भी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके बारे में सोचने से जो खुशी वो महसूस करते हैं, यानी कि सुबह अगर पहला आँख खुलने के बाद उनका अगर रूटीन रहता है कि पहले फ़ोन चेक करे कि कहीं मेरे पर्सन का कुछ मिस कॉल तो नहीं आके गया, या फिर कहीं उसका गुड मॉर्निंग मैसेज तो नहीं आके गया, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन साइलेंट मोड पे रहते हैं। तो उस तरह की एनर्जी में शायद ये आपके फ़ोन का या मैसेज का कुछ इंतज़ार करते हुए मे बी फ़ोन की तरफ देख रहे हैं। अगर आपने कुछ मैसेज किया हो है तो उस बात को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये खुश है, यानी कि अगर वो नहीं भी है तो भी हो सकता है आपकी कोई ऐसी फ़ोटो उन्होंने सेव करके रखी है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो सुबह उठने के बाद देखते ही उन्हें एहसास होता है कि आप दोनों एक दूसरे से किस हद तक प्यार में जुड़े हुए हैं, और यही वजह है उनके दिल की खुशी को लेके। तो एक पॉजिटिव मॉर्निंग भी वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और सिर्फ फ़ोटो से अब उनका काम नहीं चलने वाला, आपके साथ ये ज़िंदगी का हर एक दिन जीना चाहते हैं, जिस वजह से इस तरह की ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके बातें सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग का रीडिंग है, कार्ड आपके सामने शफल हुए हैं, और ये पर्सन यही कह रहे हैं आप उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हैं हर रोज़, और आप ही हैं उनके स्माइल के पीछे की वजह, और ये महसूस कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी मॉर्निंग वो स्माइल करके अपने दिन की शुरुआत कर पाते हैं। इट्स क्रेडिट गोज टू यू। तो आपको पाना इनका इसलिए मकसद है क्योंकि आपसे ही इनके दिल की इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, शायद इसलिए ये इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ स्पेशली आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, हैव अ नाइस डे।